तो आज क्या बात करेंगे दोस्तों आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि मार्केट में आपको क्या देख के ट्रेंड कंफर्मेशन मिलता है मतलब कौन सी टेक्निक को आप फॉलो करेंगे तो पता चलता है कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है एक सिंपल स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा डेली कैंडल पे बहुत सारे जन पूछ रहे थे कि बॉलिंग बैंड्स के ऊपर कुछ बात करिए कुछ बताइए तो बॉलिंग बैंड की बात करते हैं और बैंड बहुत ही सिंपल और पावरफुल इंडिकेटर है इस टेक्निक को हम आ, आ, अगर देखे ये बॉलिंगर बैंड्स के बेसिस पे आप ट्रेड डिराइव कर सकते हो आपको सपोर्ट पता रहता है रेजिस्टेंस है पता चलता है और आपको पता है कि ट्रेंड शायद इमर्ज हो रहा है तो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और यहाँ पर जो आपको समझना है सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं मैं चार्ट भी शेयर करूंगा कि जो मिड लाइन होती, होती है उसे वो ट्वेंटी डेज की एवरेज लाइन होती है और ट्वेंटी डेज एवरेज के टू स्टैंडर्ड डिविएशन अपर बैंड है और टू स्टैंडर्ड डिशन नीचे लोअर बैंड है तो ये बन जाता है फिर टू स्टैंडर्ड डिशन अपर और लोअर बैंड के हिसाब से आपका बन जाता है एक पूरा पूरा बॉलिंगर बैंड ना बॉलिंगर बैंड को अगर आपको सही तरीके से अप्लाई करना है तो आपको ये समझना होगा कि वो बैंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि एक्सपांड हो रहा है और बहुत ही इजी वे से आपको ये देखना है कि कैंडल जो बनी है क्या वो बैंड के नीचे बंद हो रही है वो बहुत कम टाइम होता है लेकिन अगर वैसा हो रहा है तो मतलब ट्रेंड शायद बाजार का चेंज हो रहा है सो लेट मी गो ऑन द चार्ट वेरी क्विकली एंड शेयर अक्रॉस क्विकली ऑन आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच ऑफ योर टाइम सो यहां पर हमने देखा है कि ये डेली चार्ट है यहां पर हमने को अप्लाई किया एंड uh, हम देख सकते हैं कि बॉलिंग बैंड फ्लैट हो चुका है ठीक है और यहां पर जो क्लोज हुआ क्लोजिंग देख रहे हैं हम निफ्टी का लोअर बैंड के नीचे क्लोजिंग uh, हुआ तो दिस इंडिकेट्स कि शायद ट्रेंड नीचे शुरू हो सकता है तो अगर नेक्स्ट कैंडल ने ये कैंडल का लो निकाला तो डेली टाइम फ्रेम पे एक बैरिश या नेगेटिव सिग्नल मिलेगा ये कैंडल का लो अगर कौन सा है जो लो बना है दिस लो इफ यू चेक इज एटीन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सिक्सटी टू सो ब्रेक बिलो एटीन थाउजेंड वन सिक्सटी टू विल That the overall trend is reversing on the downside. So that is how you have to look at Bollinger Bands. लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये आपको जब शुरू हो रहा है तब ही देखना है जैसे कि यहाँ पर अगर ऊपर जाते वक्त ट्रेंड पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो कैंडल है ये बॉलिंगर बैंड के ऊपर बंद हुआ इसके बाद नेक्स्ट कैंडल भले ही बैरिश हो लेकिन इसने हाई निकाल दिया यहां पर कंफर्मेशन मिला था सेवेंटीन एट हंड्रेड पे कि जो ट्रेंड है वो ऊपर शुरू हो चुका है और यहां से हमने बहुत ही शानदार ट्रेंड ऊपर तक देखा तो यहां पर जब आप बॉलिंगर देख रहे हैं, तो पहला जब टर्न हो रहा है दिस इज दैट इज इंपॉर्टेंट ये लास्ट में आपको नहीं देखना है क्योंकि लास्ट में आप लेट हो जाओगे तो फर्स्ट टर्न इज इंपॉर्टेंट विच इज हैपनिंग अराउंड दिस एरिया सो तो एज पर बॉलिंगर बैंड यहां पर शायद मार्केट में दबाव बन सकता है और यहां से आ, अगर ये लो ब्रेक होता है तो ओवरऑल ट्रेंड नीचे का होगा रेजिस्टेंस कहाँ है निफ्टी का रेजिस्टेंस 18545 है जब तक वो इंटैक्ट है बाजार में सेल ऑन राइज़ होगा दूसरा और अगर नीचे का मूव चालू हुआ तो आपको बैंड जो है वो नीचे ट्रेंड होना शुरू कर देना चाहिए वहां से पता चलता है कि यहाँ पर ट्रेंड बॉलिंगर बैंड्स के बेसिस पे बाजार में शुरू हो गया तो इस तरीके से इस टेक्निक को आप डेली पे ही नहीं आप पंद्रह मिनट के चार्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो एंड uh, आप देख सकते हो इंट्रा डे के लिए भी आप देख सकते हो बहुत ही शानदार टेक्निक है हम तो बल्कि इसके साथ में के इंडिकेटर भी लगाते हैं uh, एक आपको मेरा जो ऐप है आशीष केयाल ट्रेडिंग गुरुकुल उसमें इसी टेक्निक को के के साथ कंबाइन करके कैसे ट्रेड लेना है वो एक कोर्स है आप जाके देख सकते हैं प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स बैंक निफ्टी के ऊपर बैंड्स और के के साथ यहां पर अगर मैं आपको बात करके बताऊं पंद्रह मिनट के चार्ट पे ये बंद हुआ बैंड के ऊपर बैंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था नेक्स्ट कैंडल ने हाई निकाला और देखिए यहां से जो निफ्टी के ऊपर हमें ट्रेंड मिला इसी तरह अगर हम देखें तो ये कैंडल बंद हुई नीचे इस कैंडल ने थर्ड कैंडल ने लो निकाला एंड उसके बाद हमने देखा सेलिंग प्रेशर तो इस तरीके से आप बैंड के ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते और बहुत इजी है कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है आपको जाके पहले चेक करना होगा चार्ट पे क्या आप इसे सही तरीके से देख पा रहे क्योंकि देखिए ये टेक्निक को काफी सारे जन यूज करते हैं लेकिन सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पाते तो इस टेक्निक को अगर आपको ट्रेड करना है तो सही मायने में सही तरीके से अगर आप अप्लाई करोगे तो आप ट्रेड कर पाओगे और वैसे पैसा बन सकता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर आप मार्केट का व्यू जानना चाहते हो तो सिंपल टेक्निक्स को अप्लाई करो मैंने बहुत सारे वीडियोस प्रोड्यूस किए वो आप वीडियोस देखिए और उसके साथ में अगर आप ट्रेड करेंगे तो बाजार से पैसा बिल्कुल बन सकता है तो ये टेक्निक्स के साथ में आ, अगर आप टाइम को जोड़ना चाहे या वेव, थियरी, वेव नियो वेव जोड़ना चाहे तो उससे जोड़िए उसके साथ में काम करिए तो बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है तो बॉलिंगर बेंच पे अप्लाई करिए लिखिए अपने आ, लर्निंग्स के बारे में कमेंट्स में डालिए और मुझे बताइए क्या आप ये टेक्निक को यूज कर रहे हैं और अगर आप इस टेक्निक को यूज कर रहे हैं तो किस तरीके से यूज कर रहे हैं क्या आप पैसा बना पा रहे कि नहीं और नहीं बन रहा है तो क्या दिक्कत आ रही है ये सारी चीजें कमेंट्स में लिख के बताइए तो मुझे पता चलेगा और नेक्स्ट वीडियो में अः इसके कंटिन्यूएशन में फिर अकॉर्डिंगली बनाऊंगा तो ये मैं बताना चाहता था दोस्तों आज शॉर्ट वीडियो में कि बॉलिंग और बैंड के हिसाब से आपको क्या देखना है बहुत ही क्रिस्प रखा है मैंने और ज्यादा डिटेल्स आपको चाहिए तो कमेंट में मेंशन करना ना भूले चलिए आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद एंड मिलते हैं वापस से सात बजे कल के दिन में थैंक यू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले शेयर करिए अपने आ, दोस्तों के साथ ग्रुप पे टेलीग्राम पे सब जगह जिससे सभी लोग सीख सके और बाजार को देखकर ट्रेड कर सके एंड वही मैं चाहता हूं और आ, इनके हिसाब चाहे तो मेरी बुक भी ले सकते हैं इफेक्टिव ट्रेडिंग इन फाइनेंशियल मार्केट्स That can help you. Uh, बहुत सारी टेक्निक्स मैंशन है इसमें भी तो आप चाहे तो वो बुक भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चलिए थैंक यू वेरी मच हैव अ वंडरफुल डे आशीष क्याल साइनिंग ऑफ